Hey everyone, this is Nikhil Gupta here and I hope you all are doing well. So, आज की वीडियो में JEE Advanced के लिए तुम लोगों को केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक कैसे प्रिपेयर करना है इसके बारे में बात कर रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा चेंज है कि मैंने यहाँ पे तुम्हारा शेड्यूल नहीं बनाया है, मैंने यहाँ पे तुम लोगों को ये बताया कि किस किस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक जो है वो करके ही जाने हैं और कौन सा चैप्टर पहले करना है उसके बाद कौन सा करना है, एक हायरार्की ऑर्डर तुम लोगों को बना के दे दिया है। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से। और फिजिकल केमिस्ट्री नाम सुनते ही सबसे पहला चैप्टर जो हमारे दिमाग के अंदर आता है मोल कॉन्सेप्ट, जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं तो उन टॉपिक्स के नाम है तुम्हारे पास एन फैक्टर, वहां से अच्छे से सीख लेना है। उसके बाद नॉर्मैलिटी, देन जो हमारी जितनी भी कंसेंट्रेशन टर्म्स हैं इनके बीच के जो इंटर रिलेशंस होते हैं कि मोलैलिटी को मोलैरिटी में कैसे चेंज करना है, ये सब चीजें जो है इनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना क्योंकि इन चीजों से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन मोल कॉन्सेप्ट के बाद तुम लोगों को करना है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारी आइडियोमेट्रिक एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन। उसके बाद रेडॉक्स बैलेंसिंग, कई बार रेडॉक्स बैलेंसिंग जो है डायरेक्ट पूछ लेते हैं, और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की रेडॉक्स बैलेंसिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। देन जब तुम लोग डी ब्लॉक या फिर पी ब्लॉक पढ़ रहे होगे तो फिर तुम लोगों को वहां पे काफी सारी रिएक्शंस दिखेंगी, इन रिएक्शंस को भी याद कर लेना, ये रिएक्शंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तुम्हारे जेई एडवांस के लिए। देन जो हमारे रेडॉक्स के फेवरेट रिएजेंट्स हो गए KMnO4, K2Cr2O7, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखने पड़ेंगे, यानी कि एसिडिक मीडियम है तो KMnO4 कैसे टूटेगा, या फिर अगर हमारा बेसिक मीडियम है तो K2Cr2O7 कैसे टूट रहा होगा, कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा होगा, ये सब चीजें याद रखनी पड़ेगी। और लास्टली इस चैप्टर के अंदर जो हमारे हाइपो और आयोडीन की रिएक्शंस होती है उनको भी याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा कि वो दोनों मिलके क्या बना रहे होंगे, वो सब चीजें जो पूरी रिएक्शन है ओवरऑल उसको याद रखना पड़ेगा। देन जब एक बार हम लोगों ने ये वाला टाइट्रेशन पढ़ लिया और हमारा एन फैक्टर के ऊपर ग्रिप बन गई तो अब हम जाने के लिए तैयार हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि आयोनिक इक्विलिब्रियम जो है वो बहुत बेकार चैप्टर है और उससे नंबर नहीं आएंगे अगर मैं पढ़ के भी जाऊंगा तो देखो बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब तुम 11th के अंदर होते हो और एक बार आयोनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ते हो तो वहां पे तुम लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन एक बार अपने नोट से ही गो थ्रू होके देखना तुम लोगों को पता चलेगा कि यार चैप्टर कितना ज्यादा ईजी है, हर एक चीज की डेरिवेशन को एक बार पढ़ लेना। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता तो वहां पे पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वही काम आता है, और वो क्वेश्चंस कैसे पता चलेंगे कि कौन से हैं तो वो तुम्हें प्रैक्टिस से ही पता चलेंगे। अब एक चीज और, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के अंदर स्पेशली तुम लोगों को ग्राफ पे ज्यादा फोकस करना है, कई बार उसका ग्राफ आ जाता है डायरेक्ट और वो पूछता है कि ये किसका टाइट्रेशन हो रहा है, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे करके, तो वो चीज तुम लोग देख लेना। अब उसके बाद अगला चैप्टर आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर एक ही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारा हेस्लो, उसी के ऊपर पूरी थर्मोकेमिस्ट्री बेस्ड है। लेकिन उसके अंदर भी अगर मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं तो जहां पे हमें बॉन्ड इंथैल्पी निकालनी होती है रिएक्शंस की इंथैल्पी के थ्रू, वो वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है तुम्हारी गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी जहां पे भी आ रही है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट है तुम्हारा एंट्रोपी और स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस के ऊपर भी हम डिस्कशन कर रहे होंगे। अब अगला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तुम लोगों को पता ही है थर्मोडायनेमिक्स की बात हो रही है तो फिर वर्क के बारे में बात कैसे नहीं करेंगे, तो वर्क जो है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन वर्क के जो फॉर्मूलाज है उनको अच्छे से याद करना है तुम लोगों को और ये समझना है कि वो फॉर्मूला किस कंडीशन के ऊपर बेस्ड होकर निकाले गए हैं। और एक चीज और है छोटी सी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं वो एक बार पढ़ के चले जाना, कई बार इस पे क्वेश्चंस आए हैं। अब एक बार इतने चैप्टर्स निपट गए उसके बाद हम लोगों को करनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सुनते ही सबसे पहले क्या आता है दिमाग के अंदर, नर्स इक्वेशन। तो भाई नर्स इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नर्स इक्वेशन के गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेशन। उसके बाद जेई एडवांस के अंदर एक इजी सा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर वो तुम लोगों को 2-3 कंपाउंड दे देगा और उनके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल को कंपेयर करा रहा होगा, और वो क्वेश्चन काफी इजी होता है तो आराम से हो जाएगा। अब इस चैप्टर का सबसे ज्यादा निगलेक्टेड वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, और सबसे ज्यादा निगलेक्टेड पार्ट होता है हमारा कंडक्टेंस वाला पार्ट। कंडक्टेंस वाले पार्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, हर एक फॉर्मूले के बारे में समझना है कि फॉर्मूला आया कैसे है, और एक बार तुम लोग वो समझ लोगे तो तुम्हारा बाकी सारा का सारा काम आराम से निकल जाएगा। उसके बाद कंसेंट्रेशन सेल्स हो गए या फिर ग्राफ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होगी वो भी एक बार देख लेना। देन देखो फिजिकल केमिस्ट्री का ना एक बहुत
मेजर पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अभी तक। अब इसके बाद बहुत ही छोटे छोटे से चैप्टर्स रह जाएंगे जिसके अंदर से बहुत कम कम वेटेज आती है और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाले टॉपिक्स हम लोग देख लेते हैं। पहला है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे फॉर्मूलाज। और उसके बाद एक हॉट टॉपिक जिससे काफी सारे बच्चे जो है डरते हैं, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। देखो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से जाके देख लेना। क्वेश्चन आएगा तो मेरी गारंटी है छोड़ के नहीं आओगे। नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम सुनते ही सबसे पहला नाम आता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। केसी केपी के बीच में रिलेशन, KF KB के बीच में रिलेशन, ये सब चीजें जो आती है छोटी छोटी इनको एक बार देख लेना। ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं और काफी ज्यादा आराम से हो जाएगा ये चीज। देन उसके बाद हमारा आ गया केमिकल काइनेटिक्स। तुम लोग जानते हो इजी सा चैप्टर है। सबसे पहली चीज रेट की डिपेंडेंस कंसेंट्रेशन के टर्म में लिखनी आनी चाहिए तुम लोगों को। वही जेईई मेन स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है कई बार एडवांस के अंदर भी सेम रिपीट हो जाते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा फेवरेट फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये दोनों पढ़ के चले जाना। और हमारी अरहेनियस इक्वेशन के बारे में एक बार पढ़ लेना। और इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सीक्वेंस एंड पैरेलल रिएक्शंस। काफी ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन बच्चे कई बार इससे डर जाते हैं। तुम लोगों को बस दो रिएक्शंस के रेट को कंपेयर करना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक बार इसको YouTube पर डाल के देख लेना अगर तुम लोगों को नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ। देन नेक्स्ट तुम्हारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। देखो मोस्टली काम ना इसका केमिकल काइनेटिक्स से ही हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी तुम लोगों को ये देखना है कि यार क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़नी होती है, तो तुम लोग एक काम करना, जेईई एडवांस की साइट पे जाना और केमिस्ट्री का सिलेबस जो है डाउनलोड कर लेना। वहां पे तुम लोगों को पता चल जाएगा क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़नी है। आधी से ज्यादा चीजें हम फिजिक्स में पढ़ लेते हैं और बाकी की जो आधी चीजें हैं वो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ लेते हैं। पैरेलल और सीक्वेंस रिएक्शन बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर ज्यादा काम आती है। उसके बाद जो चैप्टर है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब यार स्टेट्स ऑफ मैटर इकलौता ऐसा चैप्टर है जिसको मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा था और मेरे से एडवांस के अंदर भी क्वेश्चन बन गए थे। तो तुम लोग भी एनसीईआरटी से इसको दो से तीन बार रीड कर लेना। तो इसके अंदर देखो आइडियल गैस इक्वेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैन डर वाल इक्वेशन। नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा सॉल्यूशन। अब यार सॉल्यूशन के बारे में मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, तुम लोग जानते हो कि पूरे चैप्टर जो है काफी ज्यादा इजी है और मोस्टली हर एक चीज उसके अंदर इंपॉर्टेंट ही है यार। वो चैप्टर को तुम लोग अच्छे से पूरा ही पढ़ लेना। देन नेक्स्ट हमारा सॉलिड स्टेट, यार इसको भी तुम लोगों को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। देन तुम लोगों का फेवरेट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, इसको एक बार एनसीईआरटी से अच्छे से रीड आउट कर लेना। तो फिजिकल केमिस्ट्री की तो बात होगी, अब हम बात कर लेते तुम्हारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखो सबसे पहली चीज है तुम लोग इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर सीखो। उसके लिए प्लेलिस्ट जो है मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, इनऑर्गेनिक करके है, संदीप जैन सर की वीडियोस है, तुम लोग आराम से देख सकते हो। उसके बाद इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म सीखो, तो उसकी वीडियोस भी तुम लोगों को उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर तुम लोगों को मिल जाएगा। अब तुम लोगों ने इतना काम कर लिया है ना, तो तुम लोगों का 60% इनऑर्गेनिक जो है खत्म हो गया। तो उस 40% के अंदर सबसे पहले तुम लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तुम लोगों को भी पता होगा आइसोमेरिज्म। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है तुम्हारे हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक मूवमेंट। उसके बाद हम सबका फेवरेट केमिकल बॉन्डिंग, 11th के अंदर काफी ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं इसको। तो केमिकल बॉन्डिंग से क्या क्या चीजें तुम लोगों को ज्यादा गौर लगा के पढ़नी है वो सुन लो। सबसे पहले तुम लोगों को ज्योमेट्री पढ़नी है यानी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद तुम लोगों को डिस्टोर्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है यानी वेस्पर वाली जो थ्योरी है उसके बारे में। उसके बाद तुम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है, डाइपोल के बारे में पढ़ना है, डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में ज्यादा पढ़ना है। और उसके बाद सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। देन नेक्स्ट तुम लोगों को पढ़ना है पी ब्लॉक। अब देखो जब तुमने वो इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म सीख लिया ना, तो ये सारी की सारी रिएक्शंस तुम लोगों को मुंह जुबानी याद हो जाएंगी। अब तुम लोगों का ना रिएक्शन वाला पार्ट ना एकदम मस्त हो चुका होगा, तो हम लोगों को रिएक्शन की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो एस ब्लॉक के अंदर रिएक्शंस के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहली है तुम्हारी हाइड्रेशन इंथैल्पी, उसके बाद है तुम्हारी लैटिस इंथैल्पी। इन दोनों टॉपिक के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि पानी के अंदर अगर हम आरबी को डाल देंगे तो ज्यादा बड़ा धमाका होगा या सीएस को डाल देंगे तो ज्यादा बड़ा धमाका होगा। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को मैंने चैप्टर को इंक्लूड ही नहीं किया क्योंकि वो अगर तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। तो डीएनएफ ब्लॉक के अंदर देखो सबसे पहले तुम लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, इसकी जो पीरियोडिक टेबल है उसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट थिंग जो है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आती है, तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से आनी चाहिए इन सब चीजों की। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दोनों चैप्टर की, कौन सा एलिमेंट कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर स्टेबल है, ये हम लोगों को डी ब्लॉक में भी हेल्प करेगा, एफ ब्लॉक में भी हेल्प करेगा। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना, एनसीईआरटी के अंदर प्रॉपर टेबल बनी हुई है उसको एक बार अच्छे से देख लेना।
देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेटलर्जी. मेटलर्जी के अंदर सबसे पहले आते हैं हमारे ओर्स के नाम, उसके बाद आता है हमारा एलिंगम डायग्राम, उसके बाद आता है एलिंगम डायग्राम के अंदर हम लोग जो गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन यूज कर रहे हैं वो, और बाकी जितने भी हमारे मेथड्स हैं रोस्टिंग, कैल्सिनेशन या फिर हमारे जो ओर्स कंसेंट्रेशन के जो मेथड्स हैं, ओर्स की रिफाइनिंग के जो मेथड्स हैं, उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना. वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि कौन से ओर के लिए हम कौन सा मेथड जो है वो यूज करते हैं. कई बार मैट्रिक्स मैचिंग के अंदर ये चीज हमें दे रखी होती है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना. देन अगला चैप्टर है हमारा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के अंदर देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जितनी भी रिएक्शन है, उसके बाद हमारी जो हार्डनेस ऑफ वाटर है, इस चीज के ऊपर भी क्वेश्चन पहले तो आते थे, हो सकता है कि इस साल भी आ जाए, तो एक बार हार्डनेस ऑफ वाटर को अच्छे से पढ़ लेना. देन सबसे ज्यादा डरावना टॉपिक जो हर बच्चे को लगता है सोल्ट एनालिसिस. कई बच्चे इससे काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन कोशिश करना यूट्यूब के ऊपर तुम लोग निमोनिक्स वाली वीडियोस फाइंड करो, और एक बार तुम लोगों ने निमोनिक्स पढ़ लिए ना तो तुम्हारा आराम से काम हो जाएगा. अब हम बात कर लेते हैं तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में. तो मैं तुम लोगों को एक अप्रोच बता सकता हूँ कि ऑर्गेनिक के अंदर अगर तुम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है जेई मेंस लेवल तक का आता है, तो तुम लोग उसको काफी ज्यादा आगे तक कैसे बढ़ा सकते हो. तो देखो सबसे पहले तुम लोगों को एक चीज पढ़नी है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, यानी आई इफेक्ट, ई इफेक्ट, रेजोनेंस, मेसोमेरिक इफेक्ट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है. उसके बाद हमारे जितने भी रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, कार्बो कैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल और हमारी कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये सब जो है इनके बारे में अच्छे से पढ़ना. और बेसिक जो हमारा ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए हमारी स्टेबिलिटी के ऊपर, और कार्बन के टाइम के अंदर रीअरेंजमेंट्स वगैरह इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान होना चाहिए. तो एक बार तुम लोगों ने इफेक्ट्स पढ़ लिए और तुम लोगों ने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ लिए, तो उसके बाद तुम लोगों को पढ़नी है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. मेरे पास कुछ नोट्स पड़े हैं, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दूंगा, तो तुम लोग वहां से देख लेना. देन इस सब के बाद तुम लोगों को सीखनी है रिएक्शन मैकेनिज्म. रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर SN1, SN2, SNAR, SNI और जो हमारे E1, E2, E1CB, उसके बाद हमारी एडिशन रिएक्शन, सिन एडिशन, एंटी एडिशन, ये सब चीजें तुम लोगों को अच्छे से पढ़ लेनी है. एक बार इतना पढ़ लिया तो 70% ऑर्गेनिक का काम निपट गया. अब 30% ऑर्गेनिक में क्या क्या बचा है, तुम्हारी नेम्ड रिएक्शंस एक बार तुम लोगों को अच्छे से पढ़नी है. उसके बाद तुम लोगों को पढ़ना है एसिडिक नेचर एंड बेसिक नेचर के बारे में. अब बेसिक नेचर के अंदर मेजर फोकस हमारा नाइट्रोजन रिलेटेड कंपाउंड्स के ऊपर होगा, और एसिडिक नेचर के अंदर हमारा बेसिक फोकस होगा कार्बोक्सिलिक एसिड और हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके ऊपर. जब इतना तुम लोग पढ़ लोगे तो उसके बाद तुम लोगों को पढ़ना है आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म के अंदर तुम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस देना है. उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वेज डैश और फिशर प्रोजेक्शन के बीच का जो इंटर रिलेशन होता है कि हम इन दोनों को आपस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो चीज पढ़नी है. और दैट्स इट, यू आर रेडी फॉर एडवांस. अब ये जो है हमारी 90% ऑर्गेनिक हो जाएगी, बाकी की 10% कहां से आएगी, एनसीईआरटी पढ़ो. एनसीईआरटी के अंदर जितनी भी रिएक्शंस है उनको एक बार अच्छे से देखो, और उन 10% के अंदर कुछ क्वेश्चंस जो है वो एक्सेप्शन वाले भी आते हैं. एक ही कार्बन के ऊपर दो OH स्टेबल हो गए, वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ जाता है. तो ये जो छोटे छोटे एक्सेप्शन वाले पॉइंट है इनका भी ध्यान रखना है तुम लोगों को. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सारे के सारे लिंक्स तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे. ये PDF और साथ साथ वो जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन वाला PDF बोला था, दोनों टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिए जाएंगे, तो उसको जाके चेकआउट कर लेना. टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है. सो आई होप कि तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. अगर कोई भी क्वेरी आ रही है तो कमेंट डाउन कर देना, या फिर मेरे को मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर तुम लोग रीच आउट कर सकते हो. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. स्टे सेफ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.